मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम एकमात्र ऐसा नगर निगम है जहाँ की आय अत्यधिक है, यानी कि यहाँ जो टीम काम करती है लगातार अपने राजस्व की तरफ ध्यान देती है और लगातार उसमें बढ़ोतरी होती है। इस साल भी जो अग्रिम कर जमा किया गया है स्थानीय लोगों द्वारा, वो भी एक रिकॉर्ड है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है इंदौर नगर निगम के राजस्व समिति प्रभारी सूरज केरो जी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की नीतियों का इस्तेमाल कर, नीतियों को लागू कर कर नगर निगम की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। सूरज जी, स्वागत है आपका डिजियाना के खास कार्यक्रम टुडे स्पेशल में। देखिए, लगातार नगर निगम अब तरक्की कर रहा है और खास तौर पर आय में वृद्धि हो रही है, और यदि वृद्धि होती है तो उससे निश्चित रूप से विकास भी होता है। इसके लिए क्या नीतियाँ आपने अपनाई है? हम लोगों ने जो है पूरा हमारा हमला जो है एआरओ से लेकर के कलेक्टर पर पूरा हमारे कमिश्नर सिंह जी का, महापौर जी का पूरा फोकस है, और हम लोग निरंतर जो है पूरा हमला जो है इस काम में जुटा हुआ है, और अग्रिम कर के लिए सबसे संपर्क भी करता है, और संपर्क करने के बाद हमें छूट भी मिलती है 6% की जलकर के अंदर, 6.25% की संपत्ति कर के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इनामी योजना का प्रयोजन रखा है। उसमें ड्रा के माध्यम से हम अग्रिम करदाताओं का ड्रा खोलते हैं, और जिन्हें ड्रा खुलता है उन्हें प्रथम पुरस्कार कार और कई 200 तरह के उनमें इनाम है, जिसमें कनेक्टिंग होंडा भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, LED भी है, ऐसे बहुत सारे 200 तरह के इनाम है, उसे वितरण करने का आज यह कार्यक्रम रखा गया है। उसमें हमारी माननीय महापौर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी थावरचंद जी गहलोत जी आ रहे हैं, और उन्हें इस इनाम से सम्मानित करेंगे हमारे आम करदाताओं के लिए। पाँच सालों में हमने देखा है कि जो आय है लगातार बढ़ रही है, तो क्या नई संपत्ति चिन्हित की गई है, या जो 29 गांव शामिल किए गए उसके अंतर्गत यह आय की वृद्धि हुई है? 29 गांव तो सम्मिलित किए ही है, उनसे तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी हमने पिछले 2 साल के अंदर 1 लाख नई प्रॉपर्टी हम लोगों ने जोड़ी है, नए खाते खोले 1 लाख, और वैसे ही हजारों हमने कम से कम संशोधन किए हैं। पिछले साल में हमने 10,000 खातों का संशोधन किया है, जिसकी संपत्ति कर बढ़ करके उनको बिल जाने लग गया। जैसे पहले किसी का 1 मंजिल था, वो 2 मंजिल हो गया, तो उसका हमने संशोधन किया। किसी का पहले आवासीय था, लेकिन अब वहाँ व्यवसाय कर रहा है, तो व्यवसाय कर रहा है तो उसका व्यवसाय की तरफ से हम लोगों ने टैक्स लगाया, तो इससे भी हमारे करों में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ हमारी विजिलेंस टीम निरंतर काम कर रही है, बड़े बड़े प्रतिष्ठान, बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वहाँ जाकर के उनकी संपत्ति जाँचना और अंतर पाए जाने पर उन पर कार्रवाई करना, तो इस तरह से भी हमारी संपत्ति इजाफा है। प्रतिवर्ष हम लोग लगभग 25 से 30% का इजाफा हम लोग अग्रिम कर में कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा टोटल राजस्व है उसमें भी निरंतर पिछले 2 साल से जो है 25 से 30% का इजाफा हो रहा है। लगभग 450 करोड़ के आसपास हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। इस साल का लक्ष्य भी हमारा 600 करोड़ रुपए का है, और निश्चित रूप से हमारा सारा हमला हमारे महापौर जी, हमारे कमिश्नर साहब निरंतर इस तरह से प्रयास करते रहेंगे, तो वो भी लक्ष्य 600 करोड़ का कोई बड़ी बात नहीं है, उसे भी हम प्राप्त करेंगे। सर, आप इस साल 115 करोड़ रुपए आपको अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं, ये एक रिकॉर्ड है, तो क्या प्रोत्साहन दिया है लोगों को आपने कि वो अग्रिम राशि करके रूप में अग्रिम राशि जमा करने लगे? एक तो हम लोग उनको छूट देते हैं, संपत्ति कर में 6% की छूट, संपत्ति कर में 6.25% की छूट, और जलकर में 6% छूट, ये छूट हम लोग उन लोगों को देते हैं। उसके कारण वो प्रोत्साहित होता है कि अप्रैल मई जून 3 महीने का समय रहता है अग्रिम करदाताओं के लिए जमा करने का, तो वो छूट पाने के लिए अपना कर का दायित्व का निर्वाह करता है। इसके साथ साथ हमने इनामी योजना निकाली हुई है, जिसमें कार से लेकर के और कानेडी होंडा स्कूटर तक है, और काफ़ी वॉशिंग मशीन LED जैसी में जैसा मैंने बताया आपको इनाम है, तो वो भी ड्रा के माध्यम से अग्रिम करदाताओं को का ड्रा खोलते हैं, और उनमें जिनमें जिनका ड्रा खोलता है उनको आज के दिन हम इनाम बांट भी रहे हैं, तो यह भी उन्हें प्रोत्साहित करने का यह एक कारण है। साथ ही साथ इंदौर शहर का विकास आप सबसे छुपा नहीं है, वो निरंतर यहाँ पे क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, निरंतर इंदौर नगर की छवि, उसकी कीर्ति और उसका जो स्वरूप है निखरता जा रहा है, वो यही कारण है कि आम करदाता अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, महापौर जी में विश्वास है, नगर निगम में विश्वास पैदा हुआ है, यही कारण है कि अग्रिम कर बढ़ रहा है, और ग्रास रूट में जाए देखे जाए तो टोटल राजस्व भी बढ़ रहा है, एक बहुत अच्छे संकेत है। एक चीज़ देखने में आई है कि जो मुख्य जगह है वहाँ तो विकास कार्य किया जा रहा है, खासतौर पर महापौर जी के इलाके में विकास कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो 29 गाँव जोड़े गए उन वार्डों में विकास कहीं भी अभी नजर नहीं आ रहा है। अभी ऐसा है कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी के आसपास महापौर जी का क्षेत्र और दूसरी विधानसभा आती है, उसमें विकास तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरे इंदौर नगर के अंदर विकास देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के रहवासी भी बहुत संतुष्ट हैं, और बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं वो भी बहुत खुश हैं, और उनके पर्यटकों ने आज से यहाँ से व्यवसाय बढ़ाया, तो व्यापारी बहुत ज़्यादा खुश है। आपको ऐसा लगता है कि व्यापारी यहाँ पर खुश हैं? बियाबानी में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, और भी सड़क चौड़ीकरण करने के नाम पर जो मकान तोड़े गए हैं, उसको लेकर आपको लगता है स्थानीय लोग खुश हैं? अभी आप देखिएगा, शहर के विकास में यदि हम लोग अगर योगदान देते हैं
तो निश्चित रूप से शहर विकास करता है। वहाँ की स्थिति आपसे किसी छुपी नहीं है, आज वहाँ पर विकास भी हो रहा है, रोड भी चौड़े हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो कीमत उस समय थी, उससे 10% से 15% तक की ग्रोथ जो बचा हुआ शेष एरिया है उसके अंदर उनकी हुई है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो क्षेत्र चमक रहा है, नया स्वरूप ले रहा है और आने वाले समय के अंदर वहाँ के लोग बहुत ही अभी शुरुआती तौर पे हो सकता है कि मतलब इलाज करने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए कड़वी दवाई कड़वी लगती हो, लेकिन उसके जो परिणाम आते हैं वो सुखद आते हैं और स्वास्थ्यवर्धक आते हैं। सर एक चीज़ आप लगाते, ये माना जाता है राजनीतिक हलकों में कि आप कैलाश चौधरी की गुट के हैं और विधानसभा 2 से ताल्लुक रखते हैं, पहले 2 में थे, आप वर्तमान में विधानसभा 5 से पार्षद बनकर आए हैं और लगातार हम ये देख रहे हैं कि विधानसभा 2 के जितने भी पार्षद हैं वो तो नगर निगम के सम्मेलनों में शिरकत करते हैं, वो ना ही अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, लेकिन आप अपनी अपने अपना जो प्रभार है उसका ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं, क्या इसको लेकर राजनीतिक उठापटक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो क्या है, एक सिद्धांत की लड़ाई है और एक कहीं ना कहीं जो है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के, पार्षद विशेष को लेकर के, उन पर हुए कहीं ना कहीं अपमानजनक घटना को लेकर के उनका अपना विरोध है, उनका अपना आक्रोश है, उसका वो विरोध व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज नहीं तो कल हम अपने हैं, अपनों को मनाएंगे, अपना परिवार है और चूँकि हम तो संगठन के लोग हैं तो हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि सब एक हों और ताकत के साथ में हम सब मिल करके इंदौर शहरी नहीं पूरे प्रदेश का विकास करें। निश्चित रूप से आपके प्रयास होंगे, क्या महापौर जी ने ऐसा आपको समन्वय बिठाने की कोई चर्चा की है कि जो विधानसभा 2 के पार्षद नाराज़ हैं, यदि किसी कारण के चलते उनकी कोई नाराजगी तो उसको दूर किया जाए, क्योंकि आप महापौर जी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं? महापौर जी भी चिंता कर रही हैं, उनका परिवार है, वो विघटित ना हो, सब साथ रहें, साथ मिलकर काम करें, सभी वार्डों के अंदर काम भी एक जैसे हो रहे हैं, कहीं कोई अंतर भी नहीं है, वहाँ पर भी कोई किसी प्रकार की कोई असमानता या कोई दुर्भाव से कहीं काम नहीं हो रहा है, सभी जगह काम हो रहा है। संगठन भी चिंता कर रहा है उसके लिए, वो निरंतर प्रयास कर रहा है और इसका कुछ भी सम्मानजनक हल निकाल करके इसका पटाक्षेप किया जाएगा। जी हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी। सूरज केरो जी बता रहे थे कि किस तरह नगर निगम ने धीरे धीरे करके तरक्की की और जो आय हो रही है उससे शहर का विकास किया जा रहा है। रही बात कुछ क्षेत्रों की जहां विकास कार्य नहीं हो रहा है, तो एक शुरुआत है, शहर बड़ा हो गया है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी और जैसे जैसे नगर निगम की आमदनी बढ़ेगी तो विकास कार्य और बढ़ते चले जाएंगे। रही बात विधानसभा 2 के पार्षदों के नहीं आने को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि समन्वय बनाया जा रहा है, वो संगठन से जुड़े हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि महापौर जी और 2 नंबर के पार्षदों के बीच जो दरार रही है वो खत्म हो जाए, इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, डीजीएनए न्यूज़, इंदौर।